नमस्कार, दिन भर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुख करते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के महागामा में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले सभी कार्यकर्ताओं द्वारा महागामा के बसवा चौक से महागामा अनुमंडल कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे उठाए गए, साथ ही पूरे देश में जातीय जनगणना हो इसकी मांग की गई। वहीं मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव प्रेम नंदन मंडल ने कहा कि भारत में आज़ादी से पहले जातीय जनगणना हो रही थी, लेकिन इसके बाद यह नहीं हो रहा है। जब देश के अंदर पेड़ पौधों की गिनती होती है, महिला पुरुष की अलग अलग गिनती हो सकती है, तो जातीय के आधार पर सरकार गणना क्यों नहीं करा रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार विमर्श नहीं करती है तो हम लोगों द्वारा 12 नवंबर को महागामा के लाल मैदान में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा की मोतियापी थाना क्षेत्र के गोरा डी में बालू गाड़ी छुड़वाने के लिए पुलिस पर ही कर दिया गया पथराव। दरअसल बीते दिन गोरा डी में मोतियापी थाना द्वारा एक बालू गाड़ी पकड़ा गया था, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ी को छुड़वाने का प्रयास किया गया। जब पुलिस द्वारा गाड़ी को नहीं छोड़ा गया तो अपराधियों द्वारा पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया, जिसमें पुलिस के जवानों को चोट भी आई थी। मोतियापी प्रभारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि पथराव में उन्हें भी चोट आई है, साथ ही कुछ पुलिस जवान भी घायल हैं। हालांकि पुलिस द्वारा अपराधियों को खदेड़ कर बालू लोडेड ट्रैक्टर को थाना लाया गया। उन्होंने बताया कि अपराधियों में कुछ की पहचान दिलीप यादव, रामकृष्ण यादव और पंकज यादव के रूप में की गई है। इधर तमाम चीजों को लेकर सूचना खनन विभाग को दे दी गई है। बीते दिन पुलिस के साथ पथराव का घटना सामने आया था, कहाँ हुआ था सर, क्या हुआ था? ये 2 तारीख के शाम को लगभग 7 बजे हम लोग गोराडी से एक ट्रैक्टर पकड़ के ला रहे थे, तो बीच में एक जगह पड़ता है सत्संग कुटिया, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया। हम लोग पर गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग किसी तरीके से गाड़ी को लेके आए, हम लोग को भी चोटें लगा। कितने लोग आप लोग थे सर? हम लोग कश्ती पार्टी में थे, 2 कांस्टेबल थे, सानी जरानंदन मंडल थे, हम थे। गाड़ी में क्या लोड था? बालू था। अभी गाड़ी लेते आए थाना? गाड़ी थाना में लगा हुआ है। तो किसी का नाम जानते हो जो कि उस दिन मारपीट की? 2-3 लोगों को पहचानते हैं, एक दिलीप यादव था, एक रामकृष्ण यादव था, पंकज यादव और कुछ लोग थे, उन लोग अज्ञात थे, उनका नाम रिकॉग्नाइज नहीं होगा। कहाँ का रहने वाला? सब गोराडी का रहने वाला। तो क्या कार्रवाई है सर? अभी माइनिंग में हम लोग भेजे हैं जिला खनन अधिकारी को, वहाँ से चिट्ठी प्राप्त होते ही। तीसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा के बाबूपुर के नजदीक महागामा की ओर से आ रहे एक बस ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक घायल का नाम सत्तन यादव बताया जा रहा है, जो गुरसंडा से अपने गांव सोनारचक जा रहे थे। जिस दरमियान यह घटना घटी है, घायल को इलाज हेतु पहले पथरगामा अस्पताल ले जाया गया, पर स्थिति खराब होने के कारण घायल को सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया गया, जहाँ घायल का इलाज चल रहा है। अगली खबर में आपको बता दें कि आज महागामा में छठ पर्व को लेकर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के साथ महागामा अनुमंडल प्रशासन द्वारा महागामा के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें महागामा के लक्ष्मण बांध, महागामा बसवा तालाब, लाल बगीचा तालाब, बलिया तालाब व अनुमंडल कार्यालय के अंदर स्थित तालाब का निरीक्षण किया गया, साथ ही साफ सफाई का जायजा लिया गया। वहीं महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह द्वारा सभी छठ घाटों पर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया गया। वहीं महागामा दुर्गा मंदिर स्थित छठ तालाब में गंदगी रहने पर संबंधित अधिकारी को इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए साफ सफाई करवाने का निर्देश भी दिया गया। अगली खबर में आपको बता दें कि बीते दिन गोड्डा के ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भगैया पंचायत भवन में कोरोना टीकाकरण की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन जब तय समय पर स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण हेतु भगैया पंचायत भवन पहुंचे तो वहां पर ताला लटका देखकर स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित हो गए। इसके बाद काफी देर बाद तक भी पंचायत भवन का ताला न खुलने पर सहिया एनएम द्वारा पंचायत भवन के बाहर ही कोरोना टीका लगाया जाने लगा, जिससे टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्यकर्मी व टीकाकरण लेने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं टीका लेते वक्त इंतजार कर रहे लोगों को बैठने तक की भी सुविधा नहीं थी। और अंत में आपको बता दें कि आज गोड्डा में झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ जिला कमेटी साहेबगंज की एक बैठक छोटी कोदरजन्ना में निर्मला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि कॉमरेड गीता मंडल एवं प्रभारी मनोज कुमार कुशवाहा और मंडरो प्रखंड उपाध्यक्ष मालती देवी मुख्य रूप से उपस्थित हुए।
प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड गीता मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र में की मोदी सरकार देश के तमाम संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। मिड डे मील योजना को भी कंपनियों के हाथों बेचने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इनका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया है और बच्चों को अब डिब्बा देना बंद कर दिया गया है। साथ ही खाना देने की योजना बनाई गई है।